सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, पहली बात तो 3000 एपिसोड कंप्लीट होने जा रहे हैं इस हफ्ते, और प्लस गणेश जी आए हैं, ये रिश्ता क्या कहना चाहेंगे उसको? ये कहना चाहूँगा कि 10वां साल है गणपति जी आए हैं रिश्ता में सब, और जब भी आते हैं बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं, एक फेस्टिव फीलिंग आ जाती है, और एक जो एक टीम वर्क हमारी है एक सिग्निफाई करता है उसको ब्लेसिंग्स दें, और हमेशा ऐसे ही हम मेहनत करें काम करें, और मेहनत सब करते हैं मगर फल कभी कभी नहीं मिलता, तो मैं बहुत खुशी और पापा की वजह से ही आज हम इंडिया के नंबर वन शो हैं उनकी ब्लेसिंग्स। गणपति पापा के बहुत अलग अलग से रूप होते हैं, तो ये रूप आज रहे हैं गणपति पापा यहाँ पर धारे, इनके रूप के बारे में कुछ वर्णन करना चाहेंगे? जिस तरह से आप चयन करते हैं गणपति पापा की, तो क्या देखकर आपने चयन किया कि गणपति पापा हमारे यहाँ पर आए? बहुत इको फ्रेंडली है और बहुत खूबसूरत, और हर साल हमारे आरएफ जी हैं और विवेक, ये दोनों बहुत सिलेक्शन उनकी होती है हमेशा हर साल, उन्होंने बहुत अच्छा सिलेक्ट किए पापा और हमेशा यूनिक। सर जैसे कि हम देखते हैं आप हमेशा से हर सेलिब्रेट करते, चाहे रमजान हो या दिवाली हो, गणपति इको जैसे कि उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हर त्यौहार को आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं? क्योंकि हम कितनी भी मेहनत करें, हम कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी हार्ड वर्किंग हों, पर जब तक ऊपर वाले की, खुदा की, भगवान की एक ब्लेसिंग ना हो आप पे और बड़ों का आशीर्वाद ना हो, तो आई डोंट थिंक वो कभी सफल होता है। तो ये चीज़ आई थिंक एवरी बडी, आई एम श्योर एवरी बडी जो रिश्ता की टीम है वो सिग्निफाई करते हैं बड़ों की इज्जत और ऊपर वाले के हमेशा एक दुआ और थैंक यू उनके दिल में रहता है, और जब साथ में हम प्रे करते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, इट बिकम्स लाइक टीम वर्क, तो ये पॉजिटिव अच्छा है। शिवांगी मैम आप काफ़ी धमाकेदार से स्वागत करते हैं गणपति जी के हर साल, कुछ कहना चाहेंगे? हर साल की तरह इस साल भी आपने स्वागत किया गणपति जी का? हमारे घर में भी हम लोग बचपन से गणपति रखे आ रहे हैं, और ये फेस्टिवल हमारे घर पे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जब मैं बॉम्बे आई थी तब शुरू में कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से मैं इस शो का हिस्सा बनी हूँ तब से वापस वो घर जैसी फील हूँ कि यहाँ पे भी इस फेस्टिवल को उसी तरह मनाया जाता है। सो बहुत ही अच्छा लगता है सभी लोगों के साथ करना, मस्ती करना। राजन सर जिन्होंने हमें मौका दिया था, और आज हमने भी हमारे भी 900 एपिसोड से ऊपर हो गए हैं, हमने भी कंप्लीट कर लिया है, सो सून वी विल आल्सो कंप्लीट 1000 एपिसोड। आप लोग अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो ऑन स्क्रीन है, थोड़ा सा हमारा बेटा ये देखो तनु स्मायल्स है, स्मायल का बेटा थोड़ा सा कुछ बोल रहा है, आज उसे नींद आ रही है, वो नींद उसको नींद आ रही है इसलिए वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट बच्चा है, और इतना है अपने माँ बाप पे गया है। भाई तन्मय ये कह रहा है कि उसे ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा लगा है पूरी ओकेजन, और वो ये कह रहा है कि इसको ईयरली परमानेंट नेवर एंडिंग इवेंट बनाया जाएगा, और अब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। हाँ तो अगले 20-25 साल वो इसी सेट पे रहेगा जब तक जवान होंगे, उसके हाथ पीली नहीं कर देते हैं। अब इसको बहुत देर से इसको आप कुछ बोलना चाहिए? गणपति पापा आए सेट पे, क्या कितनी खुशी, कितना अच्छा लग रहा है? मिलते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं ना, ये मैं तो फ्री होता हूँ, ये लोग बिजी होते हैं सब, तो आज अच्छी तरह से सबने सेलिब्रेट किया। पहली बार ये लोग खेलने में लगे रहते हैं, जब इनकी शूटिंग चल रही होती है अलग ही रहते हैं बच्चे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैम आप स्टार्ट कीजिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसे शो के हिस्सा हैं हम लोग, और गणपति उत्सव मना रहे हैं, और ये त्यौहार तो वैसे भी ऐसा
इतना स्पेशल त्यौहार है हम सबके लिए. सो वी आर सो हैप्पी सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल. क्या कहना चाहेंगे? बस जितना ज़्यादा थैंक्स बोल सकते हैं गणपति बप्पा को उतना दिल से बोलना चाहते हैं. बाकी बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स हैं. भाई जी आप एक बार एक साथ गणपति बप्पा एक बार मैं मिलाना चाहता हूँ.